जेके बैंक एसएमएस अलर्ट सर्विस फॉर्म को फिलअप करके दिखाएंगे। अगर आपको जेके बैंक में पैसे भरने हो, निकालने हो या एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हो और अगर आपको उसकी एसएमएस नहीं आती है कि आपने इतना निकाल दिया या आपने इतना क्रेडिट डेबिट कर लिया, तो आपको सिंपली इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है जो कि आपको बैंक में दिया जाएगा। इसके बाद आपको एसएमएस आ जाएगी, मोबाइल में मैसेज आ गई कि आपके अकाउंट से इतने पैसे आपने निकाल दिए या इतना आपने इसमें भर लिया। तो ये है एसएमएस अलर्ट सर्विस एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको बैंक में दिया जाएगा, जेके बैंक में। तो आज हम आपको इसको फिल अप करके दिखाएंगे कि इसको किस तरह से लिखना है, क्या क्या इसमें जरूरी लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट लिखना है कि कौन सा डेट है, किस डेट में आप इस फॉर्म को लेना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 2024। इस तरह से यहां पे आपको अपना अकाउंट लिखना है कि आपके पास कौन सा अकाउंट है। टाइटल ऑफ अकाउंट की जगह तो यहां पे मैं लिखूंगा सेविंग। बहुत सारे अकाउंट आते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, तो इस तरह से मैंने सेविंग लिखा। इसके बाद यहां पे आपको अपना नाम लिखना है या आपका जो पार्टनर मैनेजमेंट, अगर आपका अकेले अकाउंट है या ज्वाइंट अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है तो इनमें से आप उसकी डिटेल्स लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहां पे लिखूंगा अपना नाम। आप दो तीन है तो यहाँ पे आपको उनका भी नाम लिखना है, अगर ज्वाइंट अकाउंट है या और कोई अकाउंट है तो उनका भी लिखना है। फिलहाल ये मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है, उसके लिए मुझे को एसएमएस अलर्ट सर्विस अप्लाई कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर देना है कि आपके पास कौन सा अकाउंट है, वही वाला नंबर। यानी कि अकाउंट में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि एसबी आता है, सेविंग अकाउंट जो कि आमतौर हर किसी के पास होता है, लोन अकाउंट आता है, सीसी अकाउंट आता है, एसओडी आता है, तो इनसे आपको कुछ नहीं करना है। आमतौर लोगों के पास सेविंग होता है, तो यहां पे आपको बराबर 16 डिजिट देना होगा। तो यहां पे मैं अपना अकाउंट नंबर देता हूं, अपना अकाउंट नंबर मान लो कि दे दिया। इसके बाद आते हैं नीचे की ओर। अगर आप अपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन का लिमिट रख सकते हो तो यहां पे आप उसको रख सकते हो कि 500 से ऊपर ऊपर या 500 से नीचे, या अगर नहीं तो, या कोई भी ऐसा वैसा नहीं हो तो इसको आप यूज नहीं कर सकते, ऐसे ही रख लेना है, ऐसे ही छोड़ देना है। ये था कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, यानी कि आपको अपना एड्रेस देना है कि आप कहाँ रहते हो। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस देता हूँ। एड्रेस आपको बराबर देना है, यानी कि विलेज, टाउन, सिटी। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने गांव का नाम लिखूंगा, इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा। इसके बाद आता है आपको किस वाले मोबाइल नंबर पे यहाँ पे एसएमएस आनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको वो वाला फोन नंबर देना है। अपना फोन नंबर लिख लिया। यहाँ पे पिन आता है सिटी का पिन, तो यहाँ पे श्रीनगर वालों के लिए 190012 हो गया, ये कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे बोलता है कुछ कंडीशंस आती है यहाँ पे कि कंडीशन है, इसकी जरूरत नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे आपको डेट लिखना है, प्लेस लिखना है, किस वाले बैंक में आप इस ब्रांच में फॉर्म भर लोगे। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर दे देना है, अपना जो ये वाला है नीचे वाला है इतना सा, ये बैंक को यूज कर लेना है, आपको ये नहीं लिख लेना है, ये आपको नहीं लिख लेना है, बल्कि आपको खाली इधर तक लिखना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं डेट लिखना है। डेट के बाद यहां पे आपको सेविंग लिखना है, कौन सा अकाउंट है, अकाउंट का टाइटल। इसके बाद अपना नाम लिखना है, यहां पे आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है, ये इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद यहां पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, कहां पे आप रहते हो पूरी तरह से, सिटी भी, टाउन भी या विलेज भी, अच्छी तरह से एड्रेस। इसके बाद अपना फोन नंबर जिस पर आपको एसएमएस आनी चाहिए। इसके बाद यहां पे नीचे डेट, यहां पे अपने ब्रांच का नेम या कहां पे आप रहते हो, कहां पे आपका बैंक है। इसके बाद यहां पे आपको अपना सिग्नेचर, बैक साइड से बाकी ये टर्म्स और कंडीशंस है, इसको जरूरत नहीं, इसको कोई भी नहीं पढ़ता, पढ़ने की जरूरत है लेकिन कोई पढ़ता नहीं। यहां पे नीचे है, जब आप इस टर्म्स और कंडीशंस को पूरी तरह से पढ़ोगे तो आपको यहां पे डेट, प्लेस और सिग्नेचर लिख लेना है। यहां पे अपना सिग्नेचर, अपना नेम, डेट और प्लेस, बाकी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत लंबी दास्तान है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।